खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अनलॉक 1.0 में राजस्थान रोडवेज अपने संचालन का दायरा बढ़ाने जा रहा है। रोडवेज प्रबंधन कल से करीब 100 नए रूटों पर बसों का संचालन शुरू करेगा। राजस्थान रोडवेज अंतर्राज्यीय बस सेवा भी शुरू कर देगा और पहले फेज में फिलहाल हरियाणा के लिए बस सेवा शुरू होगी। ऑनलाइन टिकट की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। 2 महीने से ज्यादा लॉकडाउन के बाद अब सरकार जनजीवन को सामान्य करने की कोशिश कर रही है। हाल में ही सरकार ने रोडवेज बस सेवा को शुरू करने का ऐलान किया था। अब रोडवेज 3 जून से अपने संचालन का दायरा बढ़ाने जा रहा है। 3 जून से करीब 100 रूटों पर राजस्थान रोडवेज की बसें शुरू की जाएंगी। नए रूटों पर चलने वाली बसों के बारे में रोडवेज की वेबसाइट से जानकारी ली जा सकती है। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। रोडवेज प्रबंधन का प्रयास है कि सभी जिला मुख्यालयों से जयपुर के लिए बसों का संचालन शुरू हो जाए। रोडवेज के MD नवीन जैन ने बताया कि 3 जून से राजस्थान रोडवेज अंतरराज्यीय बस सेवा भी शुरू कर देगा। पहले चरण में फिलहाल हरियाणा के लिए ही सेवा शुरू होगी, लेकिन जल्द ही सेवा का विस्तार किया जाएगा। 3 जून से रोडवेज की बसें जयपुर से गुरुग्राम, जयपुर से हिसार, जयपुर से कोटा, जयपुर से जोधपुर, जयपुर से उदयपुर, जयपुर से भरतपुर, बीकानेर, तिजारा, उसके बाद भरतपुर से अलवर, नागौर से बीकानेर, ब्यावर से पाली, जैसलमेर से जोधपुर, जैसलमेर से बाड़मेर, भीलवाड़ा से देवली, भीलवाड़ा से अजमेर और भीलवाड़ा से कोटा के लिए शुरू होंगी। 100 नए रूटों पर शुरू हो रही बसों को लेकर एक अच्छी खबर यह है कि अब बसों में यात्रा करने के लिए सिर्फ ऑनलाइन टिकट लेने की अनिवार्यता नहीं है। यात्री काउंटर से या बस के परिचालक से भी टिकट ले सकेंगे। हालांकि ऑनलाइन बुकिंग को बढ़ावा देने के लिए रोडवेज ने ऑनलाइन टिकट बुक कराने पर 5% कैश बैंक देने की योजना बनाई है। अब बस में 30 सवारी होने के आदेश को वापस ले लिया गया है। सभी सीटों के मुताबिक 52 यात्री सफर कर सकेंगे। रोडवेज ने बस संचालन में कहीं संक्रमण नहीं फैल जाए इसे लेकर भी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। रूट पर बस को भेजने से पहले सैनिटाइज किया जाएगा। बस स्टैंड पर पूछताछ खिड़की, टिकट विंडो और परिचालक को वॉशेबल ग्लव्स, फेस शील्ड और मास्क पहनना अनिवार्य किया जाएगा। अगले सप्ताह से 200 रूट्स पर बसों का संचालन किया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन सेवा शुरू होने से अलग अलग जिलों में अटके सामान्य लोग भी अब अपनी मंजिल तक जा सकेंगे। शिवेंद्र सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।